हाय एवरीवन, आई एम रेखा चावला, वेलकम बैक टू माय चैनल चावला कुकिंग। फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके साथ कुछ डिफरेंट मेरी स्टाइल का होममेड सांभर मसाला, जो कि घर पर रखे हुए बेसिक इंग्रेडिएंट के साथ ही बनाएंगे, उसकी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ एकदम डिटेल और सारे ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ। आप इस होममेड सांभर मसाला को घर पर बना के रखें, बहुत ही जल्दी बन जाता है, क्योंकि इसके बाद मैं आपकी डिमांड पर एक होटल स्टाइल डिलीशियस सांभर की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले पैन में सभी मसालों को एक साथ भून लेते हैं। सबसे पहले डालें 6 टेबलस्पून चना दाल, 3 टेबलस्पून उड़द दाल, 3 टेबलस्पून तुअर दाल, 1 टेबलस्पून मेथी दाना, 2 चम्मच होल काली मिर्च, 2 चम्मच होल साबुत धनिया, 1 टेबलस्पून राई, 1 टेबलस्पून जीरा और 10 से 12 करी पत्ते डाल दें। इन सबको मीडियम आंच पर सेक लेते हैं। बीच बीच में 1 मिनट तेज आंच पर रखें, फिर से इन्हें मीडियम आंच पर लगातार चम्मच से चलाते जाइए। मसालों को हमें 70-80% तक भुनना है, क्योंकि अगर आप इसे 100% पूरा भुन देंगे तो जब हम इसको मिक्सी में डालेंगे इसका पाउडर बनाने के लिए, तो वो पूरा लाल हो जाएगा, जल जाएगा। हमने जो दालें, साबुत धनिया और जीरा पाउडर डाला है उससे इसको बॉडी मिलती है, और बाकी के जो मसाले डाले हैं उनमें से एक बढ़िया सौंधी अरोमा आती है। आप अगर 6 जनों का सांभर बना रहे होंगे तो आप उसमें 3 चम्मच सांभर मसाला डालें। आप देखेंगे जैसे ही हम सांभर मसाला यूज़ करेंगे सांभर बहुत थिक हो जाएगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि दालों से सांभर मसाले को बॉडी मिलती है। चलिए, बहुत अच्छी अरोमा आ रही है, ऑलमोस्ट भुनने पर है। मैंने इसी तरह के 1 टेबलस्पून का यूज़ किया है, ये जो बड़ा वाला 1 टेबलस्पून है ना, वो मैंने यूज़ किया है। इस रेसिपी के सभी इंग्रेडिएंट्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, अब वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। 10 से 12 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए दालों का कलर भी चेंज हो चुका है और बढ़िया खुशबू भी आ रही है। गैस का फ्लेम बंद कर देती हूँ और भुने हुए मसालों को रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने दें। मसाले पूरे ठंडे हो चुके हैं, ये देखिए कड़ी पत्ते भी अच्छे से सिक चुके हैं, उनका ये देखिए पाउडर भी बन रहा है। अब इसमें घर पर रखे हुए पिसे हुए मसाले डाल देते हैं, जो है लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच हींग, 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच जिंजर पाउडर, जिसे सौंठ पाउडर कहते हैं। इन्हें डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लें। याद रखें कि इन पाउडर को मसाला सूखने के बाद ही डालें। अब इन्हें मिक्सर जार में डालकर बारीक इसका एक पाउडर बना लेते हैं। ये देखिए, लुक एट दिस, क्या बढ़िया कलर आया है। लग रहा है होममेड सांभर हमने घर पर बनाया है, और कितना आसान है, और इसके सभी इंग्रेडिएंट्स हमारे घर पर इजी अवेलेबल रहते हैं, हमें बाहर से कुछ भी नहीं मंगाना पड़ता है। फ्रेंड्स, आपको ये सांभर मसाले का पाउडर कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप इस सांभर मसाला को घर पर ज़रूर बना कर रखें। तैयार मसाले को एयरटाइट कंटेनर में भरकर रख दीजिए, 2 से 3 महीने तक ये ख़राब नहीं होगा। फिर आप जब भी सांभर बनाएं घर का बना हुआ सांभर मसाला ही यूज़ करें। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक कर दें, शेयर करें, और हाँ, आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो मिलती हूँ आपसे एक नए रेस्ट्रो स्टाइल सांभर कैसे बनाते हैं उस वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय। फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से मुझे लाइक करें, कमेंट करें, और अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। टिल देन, बाय बाय, एंजॉय माय रेसिपी।